दिल्ली पर नजर, लखनऊ में दोपहर। अखिलेश से मिले सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी साथ रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपने सहयोगियों से मुलाकातों का दौर बढ़ाकर उनकी नब्ज टटोल रहे हैं। पहले नीतीश कुमार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, इसके बाद वो हवाई मार्ग से उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां उनका स्वागत करने के लिए सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले से मौजूद थे, जहां अखिलेश ने बताया कि बीजेपी को खत्म करना ही हमारा मकसद है। लखनऊ में और जिस तरह का लोकतंत्र पे संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब, मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में सभी को एकजुट होने की बात कही। नीतीश कुमार ने कहा कि लोग देश का इतिहास बदलने के चक्कर में हैं। इन सब मायनों को देखते हुए हमारी बातचीत पहले से चल रही है। लोग तो आए ही हैं इसलिए और ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जो कुछ भी यहाँ शासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं, और जैसा इन्होंने कहा हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि इस देश, यह देश आगे बढ़े, बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं, तो लोगों को तो जानना चाहिए ना सब चीज को, और जो काम हो रहा है, अब काम क्या हो रहा है, खाली प्रचार ही ना हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए ही सब लोगों से बातचीत पहले से ही हो रही है। कुल मिलाकर साफ है नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मकसद एक ही है, बीजेपी को सत्ता से हटाना। अब ये सभी पार्टियां अपने मकसद में कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।